नगर निगम रुद्रपुर के सीवीजी प्लांट में कुछ महीने बाद गीले फूट का निस्तारण कर बायोगैस निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। प्लांट निर्माण के लिए कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 6 महीने बाद शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि किच्छा रोड NH 74 से लगे कूड़े के पहाड़ से शहरवासियों को जल्द ही निजात मिलने वाली है। फाजुलपुर महरोला निर्माणधीन सीबीजी प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीने बाद शहर के कूड़े का निस्तारण प्लांट में किया जाएगा। कूड़े से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल सीएनजी के रूप में किया जाएगा, जिससे नगर निगम को आमदनी भी होगी और शहर भी साफ सुथरा होगा। 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाले प्लांट में नगर निगम को एक भी रुपए का खर्च नहीं होगा। प्लांट एक दिन में 37,000 जैविक कूड़े का निस्तारण करेगा। रुद्रपुर मेयर रामपाल सिंह ने बताया कि फाजलपुर महरोला में रुद्रपुर नगर निगम की जमीन में महाराज की कंपनी द्वारा प्लांट को तैयार किया गया है। अगले 6 महीने में प्लांट में गीले कूड़े का निस्तारण होना शुरू हो जाएगा। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जैसे ही कूड़ा सेग्रीगेट होकर अलग होता है, गीला अलग और सूखा अलग हो जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक धरोहर है, हमारे लिए एक संपत्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने जो प्लांट सीबीजी प्लांट लगाने जा रहे हैं, इस प्लांट में गीला कचरा आएगा, उस गीले कचरे से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस से फिर जैसे जस्ट लाइक उसको हम सीएनजी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के लिए।